स्टोर कैसे क्रिएट करनी है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कल मैंने कमांड लिखी थी npm install /toolkit-redux, ये कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तब देन फिर हमारे पास टास्क क्या रहता है, अगर हम रिडक्स यूज कर रहे हैं तो हमें एक स्टोर क्रिएट करनी रहती है। स्टोर हमारी किस हेल्प में आती है, हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, सो src के अंदर हमने एप फोल्डर बनाया था, उसके अंदर हमने store.js बनाई थी। देन हमने जब स्टोर बना लिए है अपनी, तो हमें क्या करना है, वो स्टोर को पूरे एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड कराना है। तो कल हमने प्रोवाइडर की हेल्प से उस स्टोर को सारी एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड करा दिया था। देन हमें क्या करना है, अब एक स्लाइस क्रिएट करना है। तो जितना भी हम कोड लिखेंगे हमारा लॉजिकल, वो सारा हम किसके अंदर लिखेंगे, स्लाइस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, स्लाइस के अंदर हमारा सारा कोड रहेगा, रिड्यूसर्स रहेंगे हमारे स्लाइस के अंदर, जिससे कि हम डेटा को गेट कर सकते हैं, डेटा को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो अब हम प्रैक्टिकल करते हैं इसका। तो जब हम स्लाइस क्रिएट करेंगे, सो उसका भी एक मेंशन पाथ है यहाँ पे। src के अंदर हमें फीचर्स नेम का एक फोल्डर बनाना है, देन उसके अंदर हमें जो भी स्लाइस बनाना है वो हम उसके नेम से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम डायग्राम से समझते हैं बेसिकली फ्लो क्या होगा हमारे रिडक्स का, तो आपको प्रॉपरली क्लियर होगा। और एक इशू था हमारे इस सिस्टम पे, इसमें यस वर्कशॉप का एरर कुछ रहे, वर्कशॉप टाइप का एरर आता है, मतलब मॉड्यूल पे एरर आता है ऑटोमेटिक। डायरेक्ट अगर अभी विजेस से, हाँ करो वर्कशॉप हाँ कुछ ऐसे करके आता है, और उसमें मॉड्यूल को अगर डिलीट करके npm आई करो तो चालू हो जाता है कभी कभी, ओके और बाकी ठीक है। VS कोड से एरर रन आप, करना। ओके ओके, जो भी एरर है उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। आपने गूगल किया था इस एरर के बारे में? यस सर, उस पे इंस्ट्रक्शन बता रहा था, मतलब इस पे कि सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शन, लेकिन उस पे कुछ समझ में नहीं आता इंस्ट्रक्शन है क्या उसका। ओके ओके ठीक है, एरर आप मुझे दो, मैं समझाऊंगा आपको इंस्ट्रक्शंस क्या है और कैसे फॉलो होंगे। ओके सर, तो सबसे पहले एक फीचर्स नेम का src के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे फीचर्स नेम का। ये हमने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, इसके अंदर हम एक स्लाइस क्रिएट करेंगे। पहले हम डायग्राम देखते हैं। शो हो रहा है सभी को? ओके, यस तो ये हमारा डायग्राम है जिससे हम फ्लो समझेंगे कि हमारा रिडक्स कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे पॉइंटर देखना मेरा, यहाँ पे हमारी स्टोर है, ये जो ऑरेंज ब्लॉक दिख रहा है ये हमारी स्टोर है, स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे हमारी वैल्यू है। अब रिड्यूसर क्या करेगा, इस वैल्यू को गेट करेगा, और ये हमारा चाइल्ड है, चाइल्ड वन। ठीक है, तो यहाँ पे दो हुक्स का यूज होता है, यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच। तो यूज डिस्पैच क्या करता है, सबसे पहले हम यूज सिलेक्टर से समझेंगे। तो जो भी वैल्यू हमारी रिडक्स की स्टोर में रखी होगी, उसे अगर हमें गेट करना है तो हम यूज सिलेक्टर हुक का यूज करेंगे गेट करने के लिए। यूज सिलेक्टर हुक से हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को फेच करेंगे और हमारे चाइल्ड में या फिर कंपोनेंट में शो कराएंगे। तो यूज सिलेक्टर हेल्प हमें किस लिए, यूज सिलेक्टर हमें किस हेल्प में आता है, वो वैल्यू को डेटा गेट करता है, डेटा को गेट करता है और हमारे कंपोनेंट में शो करता है। ठीक है, अब जब हमारे पास डेटा गेट हो गया है, तो क्या सिर्फ हमें डेटा को शो करना है, हमारे पास एक और टास्क भी हो सकता है कि हमें डेटा को मैनिपुलेट करना हो या फिर चेंज करना हो।
ठीक है, तो उसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, यूज डिस्पैच हुक की। तो यूज डिस्पैच हुक क्या करता है, हमारे डेटा को मैनिपुलेट करता है और चेंज करता है, ठीक है। तो यूज डिस्पैच से हम जो भी डेटा को चेंज करेंगे, जो भी हम इसे वैल्यूज देंगे, उस वैल्यू पे जाके देन यहाँ पे देखिए साइड में स्लाइस लिखा हुआ है आपको हाँ स्ट्रिंग ब्लॉक में। तो स्लाइस के अंदर हम क्या लिखेंगे, रिड्यूसर्स का लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। हम लॉजिक में क्या लिखेंगे कि हम हमें वैल्यू कैसे गेट करनी है, वैल्यू कैसे चेंज करनी है, ये सारा लॉजिक हमारा स्लाइस के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। फ्लो समझ में आ रहा है आपको कैसे हो रहा है। ये हमारी जी स्टोर है जो कि मिडल है, मिडल ऑफ द एप्लीकेशन रखी हुई है कंटेनर, ठीक है। अगर हमें कोई वैल्यू गेट करनी है हमारी स्टोर से, तो हम यूज सिलेक्टर हुक का यूज करेंगे और वैल्यू को गेट करके हमारे कंपोनेंट के अंदर शो करेंगे। अगर हमें कोई वैल्यू में चेंजेस करनी है, तो हम यूज डिस्पैच हुक का यूज करेंगे और वैल्यू में चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, जब भी हम वैल्यू में कोई चेंजेस कर रहे हैं, तो एक एक्शन परफॉर्म होता है जो कि रिड्यूसर के पास जाता है। और रिड्यूसर किसके अंदर है, हमारा स्लाइस के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। रिड्यूसर के अंदर हम कोड लिखेंगे पर्टिकुलर कि वैल्यू में किस तरीके का हमें चेंजेस करना है, वो सारा कोड हमारा रिड्यूसर में रहेगा, देन हमारी स्टेट यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा फ्लो है, ठीक है। कोई डाउट है अभी इसमें, कुछ समझ में नहीं आया है? नो सर, अभी यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल देखते हैं एंड देन फिर हम डायग्राम से और समझेंगे, ओके। तो फर्स्ट टास्क हमारा क्या है, हमें एक स्लाइस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या बना लिया है, हमारा फ्यूचर से फोल्डर बना लिया है, ठीक ये हमारी स्टोर थी कल जो हमने बनाई थी। यहाँ पे एक रिड्यूसर भी है हमारे पास, ठीक है। अब हमें किस पे वर्क करना है, हमें स्लाइस पे वर्क करना है। तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं स्टोर स्लाइस नेम से। तो यहाँ पे हमने फाइल क्रिएट कर लिया, जो आप रिडक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। रिडक्स टूलकिट क्रिएट स्लाइस क्रिएट रेडियस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक मेथड का यूज करेंगे क्रिएट स्लाइस मेथड का, जो कि हमारे स्लाइस को क्रिएट करके देगी हम। तो इंपोर्ट करते हैं इस मेथड को रिडक्स टूल किट की, इंपोर्ट क्रिएट क्रिएट स्लाइस फ्रॉम रिडक्स टूल, ठीक है। अब हम एक इनिशियल स्टेट लेंगे, इनिशियल स्टेट क्या होगी, एक इनिशियल स्टेट लेंगे,
ये हमारी एक इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट क्या होगी, जो हमारी इनिशियल वैल्यू रहेगी वो रहेगी। मतलब अगर कोई वैल्यू नहीं है तो हमारे पास जो भी वैल्यू हमें रखना है वो हमें इनिशियल स्टेट के अंदर असाइन करनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या असाइन किया है, वैल्यू में 0। ठीक है, तो ये हमारी इनिशियल स्टेट है। एक्सपोर्ट करेंगे हम एक फंक्शन, एक्सपोर्ट कॉन्स फंक्शन का नेम, किस नेम से हमारा फंक्शन, सो स्लाइस ओके। अब यहाँ पे हम क्रिएट स्लाइस का यूज करेंगे जो कि हमारे स्लाइस को क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट पैरामीटर आएगा वो नेम रहेगा। नेम के अंदर हम नेम लिखेंगे जो भी हमें नेम देना है। यहाँ पे हम दे देते हैं अभी के लिए शो डेटा, ओके। देन जो हमने स्लाइस क्रिएट किया है यहाँ पे, उसमें हमें इनिशियल वैल्यू जो हमने ऊपर लिखी हुई थी सेट सेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनिशियल स्टेट ले ली, सेट हो गई इनिशियल वैल्यू। देन हमें क्या करना है, अब हमें रिड्यूसर्स बनाने हैं हमारे। तो डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, रिड्यूसर्स के अंदर हमारे सारे लॉजिक्स लिखे रहेंगे जिससे कि हम डेटा गेट कर सकते हैं, डेटा में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले स्लाइड्स के अंदर लिखे जाते हैं लॉजिक, स्लाइड्स के भी अंदर हम रिड्यूसर्स के अंदर सारे लॉजिक्स लिखते हैं। ओके, रिड्यूसर्स पे चलते हैं। यहाँ पे हमें एक एरो फंक्शन लेंगे, एक हमने ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम हमारे सारे लॉजिक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक की बनाते हैं शो डेटा से, जो कि हमारे डेटा को शो कराएगी। यहाँ पे एक एरो फंक्शन है। अब हमारा जो ये शो डेटा है, ठीक है, ये लेता है हमसे दो आर्ग्यूमेंट, स्टेट एंड एक्शन। सो स्टेट हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टेट हमारी इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। ये जो वैल्यू है ये स्टेट इस इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एक्शन हमें हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्शन हमारे उस चीज को रिप्रेजेंट करता है जो भी वैल्यू हमें यूजर से मिलेगी चेंज करने के लिए, उसको हमें एक्शन से रिप्रेजेंट करना रहता है। ठीक है, अब हम डायग्राम पे देखेंगे। तो यहाँ पे एक्शन लिखा हुआ है, तो एक्शन, ठीक है, यूज डिस्पैच हमारा क्या कर रहा है, हुक यूजर से एक वैल्यू ले रहा है और हमारी स्टेट की वैल्यू में चेंजेस कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हम कोई वैल्यू भेजेंगे तो वह एज अ एक्शन जाएगी यूज डिस्पैच की हेल्प से, एंड रिड्यूसर में जाके वो वैल्यू को चेंज कर देगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा शो डेटा हो गया, स्टेट हमने रख दिए, वैल्यू हमने एक्शन रख दिया। ठीक है, एक्शन का भी हमें यूज नहीं है क्योंकि हम वैल्यू में चेंज नहीं कर रहे हैं अभी। अभी स्टेट हम वैल्यू को शो कराएंगे, जो वैल्यू 0 है हमारी। स्टेट डॉट वैल्यू, स्टेट डॉट वैल्यू क्यों लिखा है, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू स्टेट डॉट वैल्यू। ओके, यहां तक कोई डाउट है किसी को? सर स्टेट वैल्यू डॉट वैल्यू में ही स्टेट वैल्यू को इक्वल क्यों किया यहाँ पे? स्टेट वैल्यू में इसलिए हमने किया क्योंकि ये वाली जो है स्टेट डॉट वैल्यू, ये इसको रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये यहाँ से फैच हुई है। ये सर जो हमने शो डेटा के अंदर स्टेट लिखा है बस उसी को यहाँ कॉल कर रहे हैं स्टेट डॉट वैल्यू। हाँ,
यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और ये जो ठीक वैल्यू है स्टेट वाली, ये इसके अंदर वैल्यू को स्टोर करती है। जब भी हम शो डेटा करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू गेट होगी वो यहाँ से गेट होगी, स्टेट से, ठीक है। तो हम डायरेक्ट स्टेट डॉट वैल्यू के अंदर स्टेट डॉट वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो जब आप एक्शन देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि स्टेट डॉट वैल्यू हमने क्यों लिख रखा है। तो सपोज अगर मैं स्टेट डॉट वैल्यू के अंदर +1 करूंगा तो यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो स्टेट डॉट वैल्यू के अंदर होगी। सो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ स्टेट डॉट वैल्यू को शो कराना है। तो दैट्स व्हाई ये जो वैल्यू है इसी को हम इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। अगर ओके हमें कोई भी वैल्यू में चेंजेस करना रहेगा तो हम इसको वैल्यू को +1 करेंगे और देन फिर इसके अंदर स्टोर कर देंगे। ओके okay? ओके सर ओके okay. तो अब हमारे पास नेक्स्ट वर्क क्या रहेगा, हमने क्या बना लिया यहाँ पर, रिड्यूसर्स बना लिए। ओके, इनिशियल स्टेट हमने डिफाइन कर दिए। इनिशियल स्टेट आपको समझ में आई, इनिशियल स्टेट जो भी हम पहले हम यूज इफेक्ट के अंदर भी हम एक इनिशियल स्टेट देते थे, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर रिड्यूसर के स्लाइस के अंदर भी हमें एक इनिशियल स्टेट देनी है, ठीक है। अब हमने ये सारे रिड्यूसर बना लिए हैं, अब हमें इन्हें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है ताकि ये अक्रॉस ऑल कंपोनेंट एक्सेस हो सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, यहाँ पे हम नेम लिखेंगे हमारे शो डेटा का, शो डेटा इज इक्वल टू किस नेम से हमारा स्लाइस बना हुआ है, तो स्लाइस डॉट एक्शन, ये हमारे सारे एक्शंस है। ओके, तो सबसे पहले हमने ये रिड्यूसर मेथड को एक्सपोर्ट किया। अब हमें पूरा के पूरा रिड्यूसर भी एक बार एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट तो स्लाइड डॉट रिड्यूसर। यहाँ पे हम रिड्यूसर्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ रिड्यूसर लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिड्यूसर्स लिखेंगे। ओके, सर, फर्स्ट वाली लाइन पे क्या हो रहा है जो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट शो डेटा की है यहाँ पे? यहाँ पे हमने जो ये मेथड बनाई हुई है शो डेटा नेम से, जो एक्शन बनाया हुआ है इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम इस शो डेटा फंक्शन को क्या कर सके, इंपोर्ट कर सके किसी भी हमारे कंपोनेंट के अंदर। तो ये क्या करेगा, जब भी हम इसको इंपोर्ट करेंगे सो यहाँ से स्टेट डॉट वैल्यू लेगा और ये हमें शो कराएगा ये वाली वैल्यू। ओके ओके ओके, गिव मी अ मोमेंट, आपको पिक्चर क्लियर होगी जब हम यहाँ पे डेटा शो कराएंगे। ओके, यहाँ पे एक्चुअली मैं वर्क, ठीक है, ये हमारा कंटेक्स्ट है। अब कंटेक्स्ट के अंदर वेट अ सेकेंड, आई थिंक पेरेंट से बनाया था हमने कल, पेरेंट कॉल करते हैं। ओके, ये पेरेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे child 1, child 2, child 3 पे, ठीक है, यहाँ पे हमने एक वैल्यू पास की थी child 1, child 2, child 3 में। तो अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू को, ये जो हमारी स्टोर के अंदर वैल्यू हमारी सेव है, इस वैल्यू को हमें हमारे सारे कंपोनेंट में शो कराना है, ठीक है। तो अब हम किसके पास जाएंगे, फिर से स्टोर के पास जाएंगे। स्टोर के पास हमें क्या करना रहेगा, जो हमने स्लाइस बना रखा है, ठीक है, इसकी एंट्री करनी रहेगी। तो हम पहले इंपोर्ट लेंगे, इंपोर्ट शो डेटा, देख शो डेटा आ गया यहाँ पे। अगर हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट नहीं करते तो हम स्टोर के अंदर इसको इंपोर्ट नहीं कर पाते। तो दैट्स व्हाई हमने शो डेटा को क्या किया है, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है ताकि हम किसी फाइल के अंदर इसको
इंपोर्ट कर सके। ओके, अब रिड्यूसर्स के अंदर हमें दो चीजें देनी है। सबसे पहले हमें की देनी है, देन उसकी वैल्यू देनी है। अब की हम किसी भी नेम से रख सकते हैं। ओके, सो हम की का एक नेम देते हैं टो। तो ये हमने की दी। अब जो हमने इंपोर्ट किया है टो डेटा, उसको एज इट इज यूज कर लेंगे हमारे टो के अंदर। ओके, तो ये हमारा रिड्यूसर क्रिएट हो गया है। ठीक है, स्टोर के अंदर हमने इसका यूज भी कर लिया है। अब जो नेक्स्ट हमारे थिंग की डायग्राम में देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, स्लाइस हमने बना लिया है, ठीक है, रिड्यूसर हमने बना लिया है, और स्टोर के अंदर उसकी एंट्री भी कर दी है। ठीक है, जैसे स्टो है रिड्यूसर वन, जो भी हमारा रिड्यूसर था उसकी एंट्री हमने कर दी है हमारे स्टोर के अंदर। ठीक है, अब वैल्यू फेच करने के लिए जैसे डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे ये वैल्यू जीरो चाहिए तो मैं किसकी हेल्प लूंगा, यूज सिलेक्टर हुक की हेल्प लूंगा। यूज सिलेक्टर हुक से क्या करूंगा, मैं वैल्यू को गेट करूंगा और मेरे किसी भी सब चाइल्ड कंपोनेंट में, चाइल्ड कंपोनेंट में या फिर पेरेंट कंपोनेंट में मैं यूज करूंगा। ओके, तो हम यहाँ पे चाइल्ड थ्री में आ जाते हैं। चाइल्ड थ्री में हम जैसे ही आएंगे यहाँ से हम डेटा सारा डिलीट करते हैं, सिर्फ चाइल्ड थ्री लिखे रह लेंगे। ओके, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू यू सेलेक्टर एक एरो फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक आर्गुमेंट देंगे, आर्गुमेंट दे देते हैं डेटा, कंसोल डॉट लॉग डेटा। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, सो डेटा से। हाँ सर, ओके, अगर हम यहाँ पे सी करें,
इस जो स्टोर पे हम उसको स्लाइस इंपोर्ट किया करते हैं ना, ओके देन हमें किसके पास जाना है, सोर्स लाइफ के पास। ओके यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने स्लाइस के अंदर एक शो डेटा नेम का रिड्यूसर बना रखा है, ठीक है। इसको किसके अंदर स्टोर करके रखा है हमने, स्टोर के अंदर, ठीक है, शो नेम। यस तो सी डॉट हम शो करेंगे। जब हम सी डॉट शो करेंगे तो यहाँ पे टाइप मिल जाएगा हमें शो डेटा का। तो देन हमें क्या करना है, शो डेटा से वैल्यू को गेट करना है। ओके टाइप आ रहा है हमारा, ओके ये हमारे पास हमें वैल्यू मिल गई है अभी। तो रही है आपको, ओके सर। ठीक है। आफ्टर क्रिएटिंग स्लाइस हमें वैल्यू मिल गई है यहाँ पर। अब